पुस्तकें ले जाती हैं जो हमें कथा और कहानियों की दुनिया में। पुस्तकें बन जाती हैं जो कभी झरोखा सुदूर अतीत में झांकने, तो कभी बन जाती हैं ऐसी सखी जो कभी हंसाती तो कभी रुलाती हैं। कभी ले जाती हैं ये पुस्तकें अंतरिक्ष की ऊंचाइयों में, तो कभी ले जाती हैं ये पुस्तकें सागर की गहराइयों में। वे हमेशा साथ रहती हैं, तभी तो कहते हैं पुस्तकें हैं सच्ची मित्र। वे कुछ कहना चाहती हैं, साथ हमारे रहना चाहती हैं। जी हाँ, अब विद्यार्थियों के लिए ये पुस्तकें होंगी राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के माध्यम से हर जगह उपलब्ध। इन डिजिटल पुस्तकों में होंगी कविताएं और कहानियां, महानायकों की प्रेरक जीवन गाथाएं। ये डिजिटल पुस्तकें लेकर आ रही हैं हास्य और परिहास, रहस्य और रोमांच, और चित्रात्मक पुस्तकें आपकी अपनी भाषा में। और हाँ, ये किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं, सुनी भी जा सकेंगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता के फलस्वरूप शिक्षा मंत्रालय की पहल पर अब आ गया है बहुभाषिक उपलब्धता के साथ राष्ट्रीय ई पुस्तकालय मोबाइल ऐप। अब 3 से लेकर हर आयु वर्ग के बच्चे जान सकेंगे भारत की गौरव गाथा, भारत की महान सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विरासत 22 भाषाओं में। तो अब विलंब कैसा, अभी कीजिए डाउनलोड आपका अपना अनूठा मोबाइल ऐप राष्ट्रीय ई पुस्तकालय।